टीवी मीडिया में बड़ी फेरबदल की एक और दस्तक अब आ चुकी है। जी हाँ, जिस आज तक में महीने भर पहले सुधीर चौधरी के आने से गोदी मीडिया का माहौल जरा बदला नजर आ रहा था, उसी आज तक से एक चेहरे की विदाई की खबर सुर्खियों में है। आज तक की जानी मानी और तेज तर्रार एंकर चित्रा त्रिपाठी ने आज तक को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुली रम। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, तथा कथित सर्वश्रेष्ठ चैनल से चित्रा ने किनारा करने का मन बना लिया है और अब एक बार फिर चित्रा त्रिपाठी अपनी दूसरी पारी एबीपी के साथ शुरू करती हुई नजर आएंगी। खबरों के अनुसार चित्रा एक बार फिर एबीपी न्यूज पर वापसी करने जा रही है। मतलब जिस तरह से गोदी मीडिया में एंकर एक चैनल से दूसरे चैनल में कूद रहे हैं, उसकी अगली कड़ी चित्रा त्रिपाठी से जुड़ती है। आपको आगे वीडियो में पूरा मामला समझाएंगे कि आखिर चित्रा त्रिपाठी आज तक को क्यों छोड़ रही हैं और आखिर एबीपी को त्रिपाठी की जरूरत क्यों पड़ गई है। तो आपको बता दें कि करीबन 3.5 साल तक आज तक में रहने के बाद चित्रा एक बार फिर अपने पुराने ऑफिस यानी कि एबीपी के दफ्तर में लौटने वाली हैं। इसके पीछे जो कारण मीडिया में सामने आ रहा है वो ये है कि एबीपी ने चित्रा को एक ऐसा ऑफर लिखकर ऑफर लेटर में दिया है कि चित्रा उसे मना नहीं कर पा रही है। एबीपी दरअसल बड़े पैकेज और ऊंचे पोस्ट पर चित्रा को वापस अपने साथ लाना चाहता है और उसे अपने प्राइम टाइम स्लॉट पर जगह भी देने को तैयार है और यही कारण है कि चित्रा आज तक से अपने सारे ताने बाने को खत्म कर वापस एबीपी के साथ जुड़ने का मन बना चुकी हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि आज तक ने अभी तक चित्रा त्रिपाठी के त्याग पत्र मतलब की रेजिग्नेशन को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक है कि महीने भर के अंदर ही तिहाड़े के चैनल से जुड़ने के बाद एक हाई प्रोफाइल एग्जिट भी हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। अब आपको बता दें कि भला एबीपी को चित्रा की ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई है, तो इसकी वजह है एबीपी से सुमित अवस्थी का अलग हो जाना। सुमित के जाने के बाद चैनल को चेहरे और एयर टाइम दोनों भरने के लिए एक चेहरे की जरूरत थी, जिसके लिए एबीपी ने चित्रा को चुना है। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि सुमित अवस्थी ने एबीपी से इस्तीफा चैनल के अंदर हुए प्रशासनिक फेरबदल के कारण दिया है। दरअसल चैनल में कुछ नई भर्तियों ने सुमित अवस्थी की साख को चैनल के भीतर कम कर दिया था। एबीपी न्यूज हिंदी में अपना दमखम रखने वाले सुमित की जगह एबीपी के शीर्ष प्रशासन ने घटाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद चैनल के कई अहम फैसले लेने वाले सुमित अवस्थी अब चैनल के भीतर महज एक एंकर बनकर रह जाना उन्हें नागवार गुजर रहा था और यही कारण है कि एबीपी से सुमित ने खुद को अलग करने का फैसला किया। और सुमित और एबीपी के बीच की इन्हीं दूरियों ने एबीपी को चित्रा की तरफ जाने का मौका दिया और सामने आ रही खबरों को देखें तो चित्रा ने इसे अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हुए खुद को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग करने का फैसला भी कर लिया है। आखिर इस पर आगे क्या अपडेट्स होंगे ये तो तभी सही से पता चलेगा जब चित्रा इंग्लैंड से वापस भारत आती हैं, जो फिलहाल महारानी की अंत्येष्टि कवर करने के लिए लंदन गई हुई थी। और ये भी देखने की बात होगी कि क्या चित्रा को आज तक जाने देता है या चित्रा की मांग आज तक के भीतर ही पूरी की जाती है, क्योंकि आज तक पहले सुधीर चौधरी को अपने चैनल में लाकर परेशान है, क्योंकि जिस गाने बाजे के साथ आज तक में सुधीर चौधरी को लाया गया था, लेकिन सुधीर चौधरी के शो ब्लैक एंड व्हाइट शो की टीआरपी ये बताने के लिए काफी है कि लोग उन्हें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। YouTube पर सुधीर चौधरी के शो पर व्यूज ना के बराबर आ रहे हैं। अगर सुधीर चौधरी की तुलना रविश कुमार के YouTube व्यूज से करें तो जितने व्यूज रविश कुमार के दो शो पर आ जाते हैं उतने व्यूज सुधीर चौधरी के एक हफ्ते के शो में नहीं आ पाते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आज तक पर बैठकर फुल एजेंडा चलाने वाली पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के इस्तीफे को आज तक स्वीकार करेगा या फिर मान मनोहुअल कर चित्रा त्रिपाठी को मना लिया जाएगा। तो गोदी मीडिया में मचे इस भाग दौड़ और इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें।